अमन 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 नुकसान का सामना करने का हर एक का अपना अलग तरीका होता है और वो अपनी इच्छाओं पर निर्भर करता है। अमन कुछ लोग चुप रह जाते हैं तो कुछ लोग रोते हैं, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी के लिए ऐसा नुकसान बन जाऊंगा जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं। शिल्पा, मैं बहुत दुखी हूं। शिल्पा, अगर कभी मुझे तुम्हारा खून पीना पड़ा तो तुम क्या करोगे? आंखें खोजी ढूंढे मन, तू नहीं है तो है गम, अधूरी सी है जिंदगी रोना। अगर वो दिन आएगा भी कि तुम्हें मेरा खून पीना पड़े, तो मैं तुम्हें खुशी खुशी पीने दूंगा। लेकिन ऐसा दिन कभी आएगा नहीं। तुझ बिन मैं ना जीऊं, तू कैसे मिले, कहां है बता दे जरा, तू है कहां, ढूंढूं कहां। अगर एक इंसान को किसी वैम्पायर से प्यार हो गया तो क्या होगा? मतलब उसे क्या करना चाहिए? तो उसे संभल कर रहना होगा। अगर वैम्पायर उसे प्यार करने लगे और चाहता है कि उसके साथ रहे तो ये तो अच्छी बात है ना। उसे काटना होगा। क्या कहा तुमने? मन पल पल ढूंढे तुझे हर पल, आ जा रे तू, आंखें खोजे ढूंढे मन, तू नहीं है तो है गम, अधूरी सी है जिंदगी, रुलाती है दर्द से रोता है। आशा करती हूँ वो तुम्हें ना ढूंढे।
वो जग गया है। मैं कहाँ हूँ? मुझे याद है, वो तीर मेरे सीने के आर पार हो गया था। मुझे मर जाना चाहिए था ना। शिल्पा ने तुम्हें बचाया, अब तुम भी वैम्पायर बन गए हो। मैंने तुम्हें अपना खून दिया, नहीं तो तुम मर जाते। मैं एक वैम्पायर बन गया? तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कल मैं एक इंसान था और आज मैं एक वैम्पायर बन गया हूं, ये कैसे हो गया? असल में तुम अभी वैम्पायर नहीं बने, तुम 7 दिनों से सोए हुए थे, तो तुम 7 दिन पहले ही वैम्पायर बन चुके थे। दिनों से मर्जी।
तुम्हें पीना होगा। सच पूछो तो वैम्पायर बनना इतना भी बुरा नहीं है। जो मुझे कभी नॉर्मल लगता था अब वो एक तरह से अपग्रेड हो गया है। जो पहले अच्छा लगता था अब वो और भी अच्छा लगता है। जैसे कि उस गेम के स्टेज को पार करना जिसे मैं कभी पार नहीं कर पाया। वीडियो गेम खेल रहे हो? अब वो बहुत आसान लगता है। अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ और क्या। पहले मैं स्टेज पार ही नहीं कर पाता था और अब देखो एक ही मिनट में इसको पार कर दिया। क्या बात है। मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरा दिमाग अब पहले से तेज हो गया है। मैं पहले से तेज पढ़ सकता हूं, बेहतर सुन सकता हूं और मेरी मेमोरी भी पहले से तेज हो गई है। हे वैम्पायर बनने से कुछ तो फायदा हुआ। पी लो। एक बोतल खून एक हफ्ते के लिए काफी होगा। और अगर मैं ना पीऊं तो मुझे क्या होगा? अगर नहीं पियोगे तो वैम्पायर के प्रीस्ट बन जाओगे। धीरे धीरे मरने लगोगे, समझे? धीरे धीरे मरना ही अच्छा है, ना कि एक बार में मरना। उसी की तरह दिख रहे हो। ऐसा लगता है मुझे तुम्हारे खून की महक आ रही है और तुम्हारी महक बहुत ही तेज आ रही है। ये वैम्पायर की एबिलिटी है। लेकिन मुझे कुछ अजीब महसूस भी हो रहा है पर तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा। हाँ, खून के रिश्ते की तरह, मैंने तुम्हें बताया था ना। लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ अलग है। अब मेरा काम पूरा हुआ, मुझे इजाजत दो। मैं भी जा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। शुक्रिया तो तुम्हें शिल्पा का करना चाहिए। कितनी अजीब बात है, इतने दिन बीत गए
लेकिन मैंने शिल्पा को ऐसे हंसते कभी नहीं देखा। मैंने उसे तुम्हारे साथ इतना खुश देखा। मिलते हैं। मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नई पहचान से की। दिन में मैं एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर हूं, लेकिन रात में मैं वैम्पायर्स का पीछा करता हूं और उनका शिकार करता हूं। हैंसम हो गया है ना? हाँ। इसका ब्रेकअप हो जाए तो मैं इसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूं। ओ हाँ, बिल्कुल। हे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये सब मेरी तरफ घूर रहे हैं। देखो, मैं ये बात समझता हूँ कि वैम्पायर के हॉर्मोन्स इंसान को आकर्षित करते हैं, लेकिन इतना नहीं सोचा था। दिखने में तो टेस्टी लग रही है। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं तो कहो तो तुम्हारे लिए मार डालूं? ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम ये समझ लो कि मैं आज के लिए यहाँ का हेड बंदा हूँ। मैं पहली बार जब यहाँ आई थी तो हो सकता है मेरे हार्मोन ने तुम्हें अट्रैक्ट किया होगा। लेकिन मैं तुम्हें हार्मोन की वजह से पसंद नहीं करता। तुम जो हो उसके लिए करता हूँ। मिलती हूँ, मुझे काम है। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वैसे भी तुम कत्ल करने में माहिर हो। मैं चाहता हूं कि मेरे लिए तुम किसी को मारो। माफ करना, मैं ये काम नहीं कर सकता। पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुमसे पहले मुझे किसी ने तुम्हें मारने की सुपारी दी है। एए! मुझे सुपारी मिली है इसे मारने की, तुम्हारी नहीं। तो याद रखना, हमने एक दूसरे को नहीं देखा। चल भाग। मैक उर्फ रेड नैपकिन किलर, 40 साल का वैम्पायर। दिन में एक बार है, लेकिन रात में ही एक जॉब किलर है। इसका सबसे अच्छा हथियार एक चाकू है और कोई भी नुकीली चीज। ये ज्यादातर पॉलिटिशियंस को मारता है, इंसान और वैम्पायर दोनों को। आलिया, 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 ए आलिया, आलिया रुको, आलिया,
आलिया, आलिया, बात है, तुमने अपने बाल सेट किए, वैक्स भी लगाया, बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ? क्या घूर रहे हो? क्या तुम तो गुस्सा हो गए, चलो कोई बात नहीं, कूल हो जाओ। ठीक है, अपना काम करो, तुम पहले से ज्यादा साफ सुथरे और हैंडसम लग रहे हो, रिलैक्स। ओ, अब क्या बात है, ए, तुमने ऐसा क्या किया जो इतने अच्छे लग रहे हो? आजकल हेल्दी खाना खा रहा हूं। क्या, पर मैं भी तो खाता हूं। तू चुपचाप अपना काम करना। अब ठीक है, पता नहीं से क्या हो गया। वैम्पायर का खून पीने की वजह से हुआ है, शायद तो मंजान है। प्लीज मुझसे वादा करो, तुम किसी वैम्पायर का खून नहीं पियोगी, ठीक है? हाँ, मैं भी। ये क्या है? अजिंक्या का खून। हमारे पास अब सिर्फ यही क्लू बचा है। तुम्हें इसे नहीं पीना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। ये मत भूलना कि हम दोनों की रगों में एक ही वैम्पायर का खून है।
क्या दिखा? पुराने तरीकों से कहीं बेहतर। तुम आज रात फ्री हो? डेविड से मिलने वाली हूँ। अगर तुम्हें कोई क्ल्यू मिलेगा तो तुमसे मिल सकती हूँ। तो फिर कल मिलते हैं। तुमने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है वैम्पायर बनकर। क्या तुमने अपना कोई लक्ष्य बनाया है? फिलहाल तो नहीं बनाया। अगर तुम्हें कोई मारेगा नहीं तो तुम कभी भी मरोगे नहीं, कभी भी नहीं। ये जिंदगी का बहुत बड़ा सफर है, तो मेरी राय यह है कि एक लक्ष्य तैयार करो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं होगा। तुम बताओ तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? मैं शिल्पा के लिए जी रहा हूं। क्या शिल्पा ने कभी तुम्हें मेरे बारे में बताया? हाँ, उसने ये बताया था कि तब तुम एक रिपोर्टर हुआ करते थे और वो नर्स का काम करती थी। तुम्हें पता होगा कि मैं उससे प्यार करता हूं और मैं तुम्हें किस हद तक मारना चाहता हूं। वैसे तुम्हें मार के कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि मैं उसे याद ही नहीं हूं। लव फेलियर बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है। तुम उससे प्यार करते हो ना? हाँ, मैं शिल्पा से प्यार करता हूं। अमन, डेविड, ये तुम्हारे लिए बिना लहसुन के और ज्यादा मिर्च के साथ। और ये तुम्हारे लिए। मैं इसे नहीं खाता हूं। लेकिन आज पहली बार मैं इसे तुम लोगों के कहने पर ट्राई करूंगा। Thank you.
अमन, अमन मैंने वो डेटा भेज दिया जिससे तुम कबीर और सूजन को हैक कर सकते हो। मिस्टर प्रतीक का? हाँ। मिस्टर प्रतीक का डेटा जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वो लोग क्लू ढूंढना चाहते हैं और उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं। तो अभी तुम कहाँ हो? हम एक वैम्पायर से मिलने जा रहे हैं। क्या कहा? वैम्पायर को देखने? कहाँ? मैक बार-बार शॉप में। मैक बार-बार शॉप? मैं भी आऊँ क्या? सुनो, क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? बॉस आप रिस्क मत लीजिए। अभी ऑफिस का स्टाफ हम पर शक करने लग गया है क्योंकि हम साथ में अक्सर गायब हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले उनसे निपटना चाहिए। उन्हें हम पे शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं नहीं आती। मैं ऑफिस में ही इंतजार करूंगी। लेकिन तुम अपना इरादा मत बदल लेना। देखिए बॉस, एक बड़ा मिशन ऐसे छोटे मिशन की कामयाबी के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। ओके, रखती हूँ मैं। जाओ। मिस्टर धनराज, शिल्पा मैक के बर्बर शॉप में जा रही है। अच्छा मैक, वो धोखेबाज। मैं उसे सालों से ढूंढ रहा हूं लेकिन मैं आज तक उसे ढूंढ नहीं पाया। क्या शिल्पा सच में ऐसा करेगी? चलो अच्छी बात है, दो लोग जिनसे मैं नफरत करता हूं एक दूसरे को मार डालेंगे। कुछ दिनों के बाद इस शहर का आसमान खून की बूंदों से भर जाएगा। आपका ब्लड फोक प्रोजेक्ट तकरीबन खत्म होने को आया है। हाँ, हमें सिर्फ क्वांटिटी बढ़ानी होगी पूरे शहर को बर्बाद करने के लिए। वो खून जिसमें मेरा डीएनए है, जरा सोचो, उस दिन पूरा आसमान खून से लाल होगा। क्या नजारा होगा वो, नहीं? अमन, हेयर कट का समय आ गया है। कट कराने आए हो? बाल बहुत बढ़ गए हैं। पहले तो कोई वैम्पायर हेयर कट कराने नहीं आया। तुम्हें पता है? मैं इसे जानता हूं। सच बताओ, यहां पे क्यों आए हो? हम एक लड़की को ढूंढ रहे हैं। हमें नहीं पता कि तुम उसे जानते हो या नहीं। उसका नाम? रानी। मैं जानता हूं उसे, लेकिन उसके बारे में कुछ और मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगा।
लगता है कसरत करनी होगी। मैंने तुम्हें दो बार बचाया है, जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है मैं वो कभी नहीं बोलूंगा। शिल्पा, मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन जिस दिन से मैं तुमसे मिला हूं उसी दिन से तुम्हें पसंद करने लगा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो। हाँ। अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लाऊंगा। जो अपने सपने बन के खो रहे, मेरी दुनिया थी वही तो है रो रहे। जिंदगी टुकड़ों कौन है तुम? वो इंसान जिसे तुम भूल चुकी हो। घट रही लुटा है प्यार यहाँ, मिटा संसार यहाँ। जिंदगी है क्यों खफा ये ना पाता, समझे ना दिल खफा। शिल्पा,
लुट रही है जिंदगी, इसको बचानी है। वो जो है खुशियों के दुश्मन, उसे मिटानी है। तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? मैं शिल्पा के लिए जी रहा हूं। पास आएगी खुशी किसी बहाने से। अब से तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी खतरनाक चीजें हर तरफ से आएंगी, हर तरफ से। तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। लुट रही जिंदगी, सबको बचाना। वो जो है खुशियों के दुश्मन, उसे हौसला ना मर सकेगा उसके मिटाने से। पास आएगी खुशी किसी बहाने से। लुटा है प्यार यहाँ, मिटा संसार यहाँ। जिंदगी है क्यों खफा ये ना पता, समझे ना दिल खफा 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 सा है क्यों। उसकी एक बेटी भी है। मेरे पापा ने मुझे मेरे रियल पेरेंट्स को मारने से बचाया था। पहली बार मुझे विश्वास नहीं हुआ, पर एक डॉक्टर है जो हेल्प कर सकती है। और उस डॉक्टर का नाम क्या है? रानी। ये वो रानी नहीं है। नाशिक वाहे नाशिक।